हो गया आपके अरमान पूरे? आपने क्या सोचा था, बाबूजी ने तो सब चौपट कर दिया। तो समझ में नहीं आता बाबूजी दादी माँ से इतना डरते क्यों है? अरे वो उनकी माँ है, डरेंगे नहीं क्या? तो माँ है तो कोई भी गलत सलत फैसला कर लेगी वो। बाबूजी को समझ नहीं है क्या सही और क्या गलत है? मैं इसीलिए तो आपसे कहती हूँ कि जो भी फैसला करना है सोच समझ कर कीजिए, लेकिन आप है कि आंखें बंद करके सारे फैसले कर लेते हैं। मेरा फैसला अटल है, मैं बाबूजी की बात नहीं मानने वाला। आप जानते हैं इससे क्या होगा? अरे क्या होगा, तूफान तो नहीं आ जाएगा? बाबूजी नाराज हो जाएंगे। होने दो नाराज, उन्होंने तो उकसाया हमें। माफ करना, बाबूजी ने नहीं, हमने उन्हें उकसाया है। ठीक है, हमने उकसाया। जब हमें पता चला कि हमारी माँ जिंदा है तो क्या हम अपनी माँ से रिश्ता ना रखें? वो तो अपनी माँ के करीब है, हमें अपनी माँ से दूर कर दिया। तो क्या आप अब भी माँ से मिलेंगे? जरूर मिलने जाऊंगा, मैं किससे डरता हूँ क्या? परसों बाद हमने अपनी माँ को घर बुलाया, वो अपने बेटों से अपनी बहुओं से मिली, उनका प्यार पाया, कितनी खुश हुई हूँ। उन्होंने कितने सपने देखने शुरू कर दिए। अब उन्हें पता चले ये सब कुछ ऐसे ढोंग था, दिखावा था, तो उन्हें कितना दुख होगा। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो पहले से दिल की मरी है, उन्हें एक अटैक आ चुका है। अगर आप बाबूजी की बात नहीं मानेंगे तो क्या सुमित और अरुण आपका साथ देंगे? हाँ देंगे साथ, मुझे पूरा यकीन है कि अरुण और सुमित दोनों मेरा साथ देंगे और बाबूजी कहना नहीं मानेंगे। क्या उनके दिल में माँ के लिए प्यार नहीं है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक बात तो, अगर कहीं सुमित और अरुण ने आपका साथ देने से इनकार कर दिया तो बेकार में आप बदनाम हो जाएंगे और बाबूजी और माँ जी की उल्टा डांट सुननी पड़ेगी। लेकिन तुम इतना क्यों डर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी मेरा साथ नहीं देना चाहती? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो हर तरह से आपके साथ हूँ, आपका फैसला मेरा फैसला। लेकिन आपके फैसले की अहमियत तभी है जब आपके भाई आपका साथ देंगे। तुम फिक्र मत करो, भले दुनिया मेरा साथ दे, अगर तुम मेरा साथ दोगे ना तो पूरी दुनिया जीत लूंगा। रहने दो रहने दो, वैसे तो हर 24 घंटे मुझसे लड़के हो। अरे लड़ूंगा नहीं तो फिर प्यार कैसे पैदा होगा हा? जैसे हर रात के बाद नई सुबह आती है, उसी तरह हर लड़ाई के बाद एक नया प्यार पैदा होता है। अब कोई बहाना मत बनाओ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हें यकीन नहीं है ना, जरा लड़के देखो। बेशरम, ये कोई प्यार की उम्र है क्या? अरे तुम ही तो कहती हो बंदर जितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी खाना नहीं भूलता।